मैंने राहुल गांधी जी के वकील जो है वो इत्तफाक से डिफेमेशन केस में मेरे भी वकील रहे थे, तो इसलिए निजी तौर पे मेरे रिश्ते हैं। मैंने उनसे बात की तो मुझे वो हंसते हुए उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा साहब इसके लिए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू दोषी हैं और वास्तव में दोषी हैं। हमने कहा क्यों? तो मुझे बड़ा मतलब अजीब सा लगा कि उनके जैसा व्यक्ति ये कह रहा है। तो उन्होंने कहा देखिए पंडित नेहरू सोचते थे कि नहीं, न्यायपालिका को पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें कहीं पे भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और सारी चीजें, तो उन्होंने व्यवस्थाएं उसी ढंग से बनाई और उसी तरीके से सबने उसको क्रियान्वित किया। कभी भी उन्होंने न्यायपालिका पे कभी कोई वो नहीं किया। एक बार उन्होंने किसी चर्चा के दौरान कोई बात कह दी थी एक जज के बारे में, तो उस पर तुरंत उन्होंने माफी मांगी थी, क्योंकि गांधी कहते थे यदि आप गलती करें तो जरूर माफी मांगिए, लेकिन अगर गलती नहीं की है और तो कुछ भी ताकत लग जाए माफी नहीं मांगनी चाहिए। तो इस नीत के व्यक्ति थे, तो उन्होंने उसको वो भी किया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें नहीं कहा था कि आप माफी मांगिए। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ये चीज उन्होंने मुझे कही, कितनी स्वतंत्रता दी थी। उसका नतीजा क्या है? आज की सत्ता उसका उपयोग जो है दूसरे तरह से कर रही है। वो जजेस को अपने ढंग से प्रमोट करवा रही है, अपने ढंग से पहुंचा रही है, उनके अपॉइंटमेंट्स करवा रही है। देखिए एक लोअर लेवल के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो सरकार का उसमें बड़ा भूमिका होती है। जैसे आप अपने यूपी यूपी में ही देखेंगे दो तरह की सर्विसेज होती है, एक पीसीएस जे होती है और एक एचसी वो हायर जुडिशियल सर्विसेज होती है। इन दोनों सर्विसेज में जो अपॉइंटमेंट है वो हाईकोर्ट करता है थ्रू गवर्नमेंट, और वो जज होते हैं, जस्टिस नहीं होते, पहले जान लिए। तो वो सरकार का जो न्याय मंत्रालय है उसके अधीन आते हैं, लेकिन जो हाईकोर्ट के जस्टिसेज होते हैं वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसके अपने जो है उसके संवैधानिक व्यवस्था के तहत काम करते हैं। तो ये होते हैं, इनपे बहुत बड़ा प्रभाव होता है स्थानीय प्रशासन का, सरकार का और उसका। तो कमोबेश जो पहले वाले भी जज थे वो भी, उनका बैकग्राउंड आप चेक कर लीजिए, वो भी आरएसएस से जुड़े हुए उसी परिवार के थे वर्मा जी, और उन्हें भी किसी तरह से प्रमोट करा के उस कोर्ट में लाया गया था और किया गया था। अब जो जज साहब हैं वो भी तुलसीराम वाले केस में अमित शाह के वकील थे और अब भी वो है। देखिए इसलिए मैं एक बात बताऊं कि मुझे कल नाम नहीं लूंगा, एक चैनल से जब आया कि इस पे चर्चा करनी है, तो मैंने कहा क्या जजमेंट कोई आ गया? उन्होंने कहा नहीं नहीं आया तो नहीं है। मैंने कहा आएगा भी नहीं। उन्होंने कहा आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा यदि आ जाएगा ना तो मैं ये कहना छोड़ दूंगा कि मैं पत्रकार और वकील दोनों। तो उन्होंने कहा अच्छा, और फिर जब उस चैनल में डिबेट हुई तो मैंने जिक्र किया उनसे और उन्होंने उसको कहा शाम 6 बजे की डिबेट में। तो मैं ये उदाहरण बता रहा हूं क्यों ऐसा है, क्योंकि मुझे पता था। देखिए इस मामले में हो सकता है, पहली बात कानूनी यदि लहजे से देखेंगे, इस मामले में कोई भी कानूनी तरीके से न सजा हो सकती थी, न इस कोर्ट इस पर ट्रायल कर सकती थी, ना ही कोई और चीज थी। वो इंक्वायरी में ही खत्म होने वाला केस था, क्योंकि ये जुरिडिक्शन ही नहीं था उस केस का, लेकिन उसने करा और सजा भी सुनाई और राहुल गांधी पर कमेंट भी किया। तो यह स्थिति है। और उसके बाद में जब राहुल गांधी से वर्मा ने बोला कि आप माफी मांग लीजिए, राहुल गांधी ने जब मना कर दिया तो वो बोले बड़े आप ढीठ आदमी है, माफी भी नहीं मांगते। भाई क्यों मांगे हम माफी? आप करिए जो आपको कार्रवाई करनी है। तो ये स्थिति है। इस बात को कोर्ट किया गया इस डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में, लेकिन मैं फिर एक चीज कह रहा हूं, जिस कोर्ट में हो रहा है उसमें क्या हो। तो बहुत सारी चीजें, मैं इसमें एक चीज समझता हूं कि बहुत बड़ा यदि रिलीफ सोच रही हो कांग्रेस या कोई भी व्यक्ति, कांग्रेस तो नहीं सोच रही है, बहुत सारे लोग यदि सोच रहे हो तो रिलीफ यहां से कोई मिलने की उम्मीद आप मत रखिए। इसकी रिलीफ यदि कुछ मिल सकती है तो वो हाई कोर्ट में मिलेगी या सुप्रीम कोर्ट में मिलेगी। हाई कोर्ट में भी मिल सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी कई जजेज होते हैं जो स्टेट से बाहर से भी आते हैं और उस मामले में कई सारी चीजें होती, लेकिन जो स्टेट के हैं उनसे भी मैं उम्मीद नहीं रखता हूं।
क्योंकि स्टेट से जो जजेज होते हैं उनको जो पैनल जो भेजा जाता है उसमें राज्य सरकार की एक भूमिका होती है, तो इस दृष्टिकोण से उसमें भी एक चीज को समझा जा सकता है। हालांकि हाई कोर्ट के जजेज अपने फैसलों को लेकर के थोड़ा सा संजीदा होते हैं, तो एक विषय तो ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि इसमें क्या जजमेंट आएगा नहीं आएगा। बहरहाल मैं समझ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने सही दिशा में चल रही है। और एक बात मैं मलिक साहब की सुन रहा था, मुझे बिल्कुल सही लगी कि जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से नोटिस जा रहे हैं, सवाल है इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए वही नेता जिम्मेदार है जिनको नोटिस आ रही है और ये हो रहा। क्यों? जब शुरुआती दौर में कांग्रेस पर ये हो रहा था तब वही कई नेता कहते थे कि सोनिया गांधी को जेल भेज दो, राहुल गांधी को जेल भेज दो, और यही अरविंद केजरीवाल बोलते थे, यही ये सब बोलते थे। आप याद करिए उनके पूरे बयान है, मैंने भी एक बयान ट्वीट किया, आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से है, इसी तरीके से ममता बनर्जी बोलती थी और दूसरे और बोलते थे, आज आप देखिए ना वो स्थिति। तो मैं ये कह रहा हूं यही है खेल, यही होता है, एक एक को पहले इधर करो उधर करो, एक को तोड़ो दूसरे को तोड़ो फिर सबको तोड़ो। तो इसीलिए कहा जाता था कि गट्ठर में रहेंगे तो तोड़ नहीं पाएगा, और गट्ठर अलग अलग करके सबको तोड़ देंगे। कल के दिन आप, मैं बस खत्म कर रहा हूं, मैं कि आप याद होगा 2019 के चुनाव के पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में अखिलेश यादव का केस वापस ले लिया। उससे क्या है कि उनके परिवार की संपत्ति हो गई, और नतीजा ये है कि उन्होंने अपने ढंग से जो काम कर दिया। अब जब वो होता है, अभी यदि अखिलेश सोचे कि हम बच जाएंगे, हमारे पिताजी को अवार्ड दे दिया है, बड़ा महान कार्य कर दिया, महान नहीं कर दिया, वो चारा डाल रहे, और भी कुछ दिनों बाद में जैसे ही होगा इनसे निपट लेंगे तब आपके ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि अभी यूपी इंटरेस्ट नहीं है और यूपी में उन्हें कोई लोकसभा में बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो इसलिए वो यूपी पे बहुत नहीं फोकस कर रहे। आपसे वो चाहते हैं कि आप हर सीट पे लड़ो, कोई सीट मत छोड़ो, किसी के लिए मत छोड़ो, आप वो करने को एग्री है तो वो क्यों आपके खिलाफ जाएंगे? तो आप उन्हीं का काम कर रहे हैं, तो ये स्थिति है। तो इसलिए विपक्ष को अभी भी वक्त है एक हो करके सारी चीजों को समझने की जरूरत है। यदि समझ के संजीदा होके आएंगे तो आप इस लड़ाई से निपट सकेंगे, नहीं तो यही झेलते रहिए और कुछ दिनों बाद सब खत्म। जी, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।